बीजेपी के तेज तर्रार नेता संबित पात्रा पार्टी के ऐसे प्रवक्ता हैं, जिनसे शायद कांग्रेस के साथ साथ पूरा विपक्ष बुरी तरह से चिढ़ता है, क्योंकि वो जब भी बीजेपी की ओर से मोदी विरोधियों को जवाब देने आते हैं तो बहुत ही आक्रामक अंदाज में उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं। यही वजह है कि वो अभी भी बीजेपी प्रवक्ता के पद पर बरकरार है और न्यूज चैनलों में होने वाली टीवी डिबेट में भी अक्सर जाते रहते हैं। सोमवार को भी संबित पात्रा एक न्यूज चैनल की टीवी डिबेट में बीजेपी का पक्ष रख रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कह दिया कि वो खुद कार्टून बन गए। संबित पात्रा के इतना कहने पर ही पूरी कांग्रेस उन पर जैसे टूट पड़ी। दरअसल कुछ ही दिनों पहले बीजेपी के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मजाक उड़ाते हुए एक कार्टून शेयर किया था, जिसमें राहुल गांधी को सबसे पहले पार्टी छोड़कर जा रहे नेताओं को जोड़ने की सलाह दी गई थी, जिसके जवाब में कांग्रेस ने भी पीएम मोदी का मजाक उड़ाते हुए एक कार्टून जारी किया, जिसमें मोदी के किए गए वादों की याद दिलाई गई। कार्टून के जरिए इसी वार पलटवार के बीच बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक टीवी डिबेट में कहा, हमने राहुल गांधी का कार्टून नहीं बनाया है, वो खुद कार्टून बन गए। ये बात किसी से भी सड़क पर पूछ लीजिए, किसी व्यक्ति का कोई कार्टून बनाता नहीं है, किसी व्यक्ति के तौर तरीके सुनिश्चित करते हैं कि वो कार्टून है या नहीं। टीवी डिबेट के वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर कर संबित पात्रा ने लिखा, राहुल गांधी का कोई और कार्टून नहीं बना सकता, वो बने बनाए कार्टून है। संबित पात्रा के ट्वीट पर कांग्रेस बुरी तरह से भड़क गई और पार्टी के तमाम नेता लगे उन्हें जवाब देने। कांग्रेस के युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने पीएम मोदी की एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, जिस कार्टून के अब्बा को बापू का सही से नाम नहीं पता, वो कार्टून न ही उछले तो बेहतर है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने भी संबित पात्रा के ट्वीट पर लिखा, देश के सबसे बड़े जोकर के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती, अचंभित कुपात्रा अपने गिरेबान में तो झांक लो। कांग्रेस की एक और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, क्या पता कल को निर्मला न्यूटन जी ये कह दे कि सेब पेड़ से नहीं गिरा बल्कि जमीन ऊपर आ गई। 8 साल से पूरे देश को कार्टून बनाकर रखा हुआ है मोदी और उनके भक्तों ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच सियासी जंग कोई नई बात नहीं है। दोनों ही नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए संसद से लेकर सड़क और चुनावी मंच तक जहां भी मौका मिलता है वार पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, और अब इन्हीं दोनों नेताओं का कार्टून बनाकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर वार पलटवार करने लगी है। बीजेपी जहां राहुल गांधी को बने बनाए कार्टून बता रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पलटवार करते हुए कह रही है कि मोदी ने पूरे देश को 8 साल से कार्टून बनाकर रखा है। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस के बीच कार्टून को लेकर चल रहे इस वार पलटवार पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।